देवघर जिला के अंतर्गत नारायणपुर हाई स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। वहां पर दिल्ली, मुंबई तथा अनेक जगह से लोग आकर क्वारंटीन में रुके हुए हैं। वहां पर रुके हुए लोगों का कहना है कि यहां पर न ढंग से रहने, न खाने, न बिजली तथा अन्य किसी भी चीज की सुविधा यहां पर नहीं है। वहां के मुखिया का कहना है कि जो भी चीज आप लोगों को आवश्यकता है आप अपने घर से लाकर कीजिए तथा शासन प्रशासन के द्वारा भी इन लोगों को कोई सुविधा मुहैया उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे लोग काफी आक्रोशित और परेशान। दिन से आया हुआ हूँ यहाँ, खाने के अलावा कोई सुविधा नहीं है। जनरेटर है, रात में मच्छर काटता है, नहीं बर्तन मिला है, ना कपड़ा मिला है, दरी मिला है, जाजी मिला है, वो भी टेंट का छोटा छोटा सा, ना पंखा का सुविधा है, ना कोई चीज़ का सुविधा है। हम लोग बहुत दुखी हैं, कृपया इस समस्या का समाधान कीजिए। हमको बोलो पैसा नहीं मिलता है तेल डालने के लिए, मैं सारा रात कैसे जलाऊँ, इसलिए हम लोग का बहुत परेशानी, हम लोग का सुविधा देने का कष्ट करें। हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं मिला है, जो है जो भारे का सामान है अभी क्या छोटा छोटा दरी बस्तर है, जनरेटर है पर चलता नहीं है, बोलता है हम लोग को कोई सुविधा नहीं है, ये देने का कष्ट करें। और सबसे पहली बात क्या है कि शासन प्रशासन कुछ नहीं है, रात में भी कोई देखभाल के लिए गार्ड का सुरक्षा नहीं लेना है, छिपा लोटा करोड़ा गिलास कुछ नहीं दिया गया है। ये सब चीज़ मुखिया जी आकर के कल बोल रहे हैं कि अपने अपने घर से मंगा लीजिए। जब हम लोग अपने घर से मंगा लेंगे, ना ब्रश है, ना जीभा है, ना कोलगेट है, सैनिटाइजर भी पर व्यक्ति को नहीं दिया गया है, सिर्फ साबुन दिया गया, पर व्यक्ति को मास्क नहीं दिया गया है। ये सब चीज़ प्रशासन से एक्शन लिया जाए जल्द से जल्द।